और पड़ोसियों, शुभमन गिल नए अप्पू बन चुके हैं ओडीआई के नंबर वन बैट्समैन। इनके डाबर आश्रम को हटा के शुभमन गिल जो है वो ओडीआई का नंबर वन ओडीआई बैट्समैन बन चुका है। और पड़ोसियों, मंगलवार कैसी रही? अच्छा, मंगलवार नहीं, बुधवार होता है। आज बुधवार को नया आईसीसी रैंकिंग आया है, जिस रैंकिंग में अपना प्रिंस, जो हमारे प्रिंस शुभमन गिल है, वो ओडीआई के नंबर वन बैट्समैन बन चुके हैं। मैंने कहा था कि शुभमन गिल आएगा और ले जाएगा नंबर वन का ओडीआई वाला पोजीशन, और शुभमन गिल आया ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वो नंबर वन पोजीशन जो थी, वो जो जिम्बावर बैठा हुआ था नंबर वन पोजीशन पे, वो नंबर वन पोजीशन यहाँ पे लेके चला गया। पड़ोसियों, मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो किंग मतलब था यहाँ पे, आप लोगों का किंग है, ये किंग डिजर्विंग नहीं था, और वही किंग जो है वो किंग बैठा हुआ था नंबर वन ओडीआई बैट्समैन पे। लेकिन अब जो किंग का काम ही नहीं, जिसके कोई भी सामान काम नहीं करते, वो किंग को आप क्या करोगे नंबर वन बना के? इसीलिए आईसीसी ने डिसाइड किया कि अब शुभमन गिल को नंबर वन ओडीआई बैट्समैन बना दिया जाए, और ये जो बन के बैठे थे सो कॉल्ड किंग, इसको हटा दिया गया, और इंडियन टीम हर एक फॉर्मेट में नंबर वन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंडियन टीम के बारे में, तो इंडियन टीम के जो बैट्समैन है वो नंबर वन है, इंडियन टीम के बॉलर जो है वो नंबर वन है, इंडियन टीम के ऑलराउंडर नंबर वन है, टीम इंडिया ओडीआई में नंबर वन है, टीम इंडिया T20 में नंबर वन है, टीम इंडिया टेस्ट में नंबर वन है, टीम इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर वन है। और इसलिए मैं कहता हूं, एज अ इंडियन मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है अपनी टीम पे, क्योंकि भाई मेरी टीम ने यहाँ पे मेरे देश का नाम ऊंचा किया है। और अब मैं चलो बात करता हूँ यहाँ पे शुभमन गिल के बारे में। देखो, यहाँ पे कितने दिनों से शायद बाबर आजम था, 948 दिन ना कुछ दिनों से बाबर आजम ओडीआई नंबर वन बैंकिंग कह रहा हूँ भाई मैं, ओडीआई नंबर वन बैट्समैन बन के बैठा हुआ था ओडीआई के फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में, लेकिन इसको हटा दिया गया है, और आज जो बाबर आजम है वो एक नॉर्मल प्लेयर बन चुका है। अब देखो, यहाँ पे सबको लग रहा था कि बाबर आजम बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन अब यहाँ पे असली किंग जो है वो आ चुका है, मतलब हमारा इंडियन प्रिंस, वो अब आईसीसी नंबर वन ओडीआई में बन चुके हैं नंबर वन पे, और अब जो है वो डिजर्विंग किंग आया हुआ है यहाँ पे नंबर वन ओडीआई बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब शुभमन गिल को हटाना तो भाई नामुमकिन है, क्योंकि शुभमन गिल अब देख रहे हैं यहाँ पे भाई 2 सालों तक नंबर वन ओडीआई बैट्समैन बन के रहेगा, 2 सालों तक। और ये मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ, जितने भी इंडियन फैंस है ना, सब भाई यहाँ पे प्राउड फील करो, क्योंकि हमारा प्रिंस जो है वो नंबर वन इंडिया बैट्समैन बन चुका है। और देखो, इसके पीछे शुभमन गिल की बहुत ज्यादा मेहनत है। अगर मैं सच्ची बताऊं यहाँ पे मजाक तक के, तो 2023 में जो शुभमन गिल है ना, वो काफी इंटेंस इनिंग खेली थी, मतलब आप कह सकते हो कि शुभमन गिल जैसी इनिंग अभी तक कोई प्लेयर नहीं खेला है एक साल, मतलब पूरे कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में। वो डबल सेंचुरी लगाना, वो यहाँ पे छक्के चौके मारना, वो यहाँ पे सेंचुरी मारना, मतलब हर एक चीज जो थी शुभमन गिल की मेहनत जो है वो काम में आई, और शुभमन गिल ओडीआई का नंबर वन बैट्समैन बन चुका है। अब देखो, बाबर आजम की मैं बात करूं तो बाबर आजम जो थे वो एक नॉर्मल टीम के अगेंस्ट रन मार के यहाँ पे नंबर वन बने थे, लेकिन शुभमन गिल बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट रन मारे हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, श्रीलंका के अगेंस्ट, मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट, बड़ी बड़ी टीम, ये कोई जिम्बाब्वे, यहाँ पे केनिया, वेस्टइंडीज जैसी टीम ने, बड़ी बड़ी टीम। और देखो, सब लोग शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, वो जून जुलाई के टाइम में, जब जुलाई के टाइम में जब वेस्टइंडीज में हम लोग खेलने गए थे, शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला था, तो ये लोग कह रहे कि ये है प्रिंस, देखो रियल प्रिंस यही है, और ये अभी ओडीआई नंबर वन बैट्समैन बन चुके हैं। अब देखो, यहाँ पे हमारे जो पड़ोसी हैं वो कहेंगे कि वेल पेड बीसीसीआई, बीसीसीआई ने बहुत अच्छा पैसा देके यहाँ पे नंबर वन बैट्समैन बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये वे, मतलब आप समझ रहे हो, अलग अलग तरीके के जो चीजें हैं वो अब हमारे पड़ोसियों की तरफ से चलाई जाएगी। लेकिन लेकिन भाई, रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है मेरे दोस्तों, थोड़ा बता देना यहाँ पे। मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। टीम इंडिया का प्लेयर जो है वो ओडीआई नंबर वन बैट्समैन बन चुका है, टीम इंडिया का प्लेयर वर्ल्ड में नंबर वन बन चुका है, टीम इंडिया वर्ल्ड में नंबर वन चुकी है मेरे भाई। मजा आ रहा है अभी यहाँ पे, काफी ज्यादा मजे की बात है। मैं तो यहाँ पे दिल, मतलब सच्ची कह रहा हूँ, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ कि इंडियन टीम की जो
चीजें हैं वो अभी हर चीज में नंबर वन नंबर वन नंबर वन, और जो हमारे पड़ोसी है वो इसी तरह से चलते रहे और इसी तरह से बढ़ने लगाते रहे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि टीम इंडिया जो है वो नंबर वन टीम है और उनके प्लेयर जो है नंबर वन हर चीज में है। तो अब यहाँ पे जेलसी थोड़ी बनती है हमारे दोस्तों के लिए, जो हमारे पड़ोसी है उनके लिए। चलो गाइस मिलते हैं, और पड़ोसी आज रात को नींद बहुत अच्छी से आएगी आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा बढ़ने लगाएंगे सोना।